हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 वार मंगलवार, तो आज सरसों के बाजारों में गिरावट रही, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले जानकारी, यदि आपको ग्वार और हल्दी और धनिए से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, मसालों से जुड़ी हुई, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़े। यदि आपको बाकी कुछ जानकारियां चाहिए तो फेसबुक पेज और लगातार हमारे वेबसाइट पर सर्च करते रहें kshidarshannews.com। अब आगे की ओर चलते हैं, आज बात करते हैं तिलहन के बाजारों की। तो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीबोट वायदा तेल का और सीबोट कंप्लीटली अमेरिका वायदा बाजार आज बंद थे, कल सुबह कामकाज करते हुए नजर आएंगे। देर रात हुए कामकाज में सीबोट में अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग रही। अब केएलसी की बात करते हैं, केएलसी में आज गिरावट रही, ऊंचे लेवल से गिरावट देखने को मिली। चाइना के बाजारों की सुस्ती और साथ में सीबोट का बंद होना और निचले लेवल पर केएलसी के फंडामेंटल का काम करना, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी आना ऊपर लेवल पर, जिसकी वजह से आज गिरावट रही और केएलसी लगभग 97-98 रिंगट गिरकर बंद होती हुई नजर आई। अब दूसरी ओर बात करते हैं भारतीय वायदा बाजार, भारतीय बाजारों की। सरसों की आवक 5 लाख बैग की रही, खड़ में 5 से 10 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली प्रति क्विंटल। वहीं दूसरी ओर बात करें तेल, तेल में आज हल्की गिरावट देखने को मिली, दिन चढ़ते चढ़ते गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं बाजारों की। बिकवाड़ पीछे हटता हुआ, लेवाड़ पीछे हटता हुआ नजर आया। नीचे जैसे बाजार गिरता है लेवाड़ एकदम चुप्पी साध लेता है, बाजार जब चढ़ता है तो थोड़ा बहुत लेवाड़ एक्टिव नजर आता है, और बड़ा लेवाड़ तो फिर भी एक्टिव नजर नहीं आता। सीड में जितना लेवाड़ नजर आता है एक्टिवली, उतना तेल में बाजार एक्टिवली बायर नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं बाजारों की। तो जयपुर 5600 रुपए, 5575-5600 रुपए का बाजार मानो। भरतपुर 5325 खुलकर अभी 5270-5270 के बाजार अभी भरतपुर के बताए जा रहे हैं। उसके अलावा खैरतड़ मंडी 5235-5240 रुपए पे सुबह ही कारोबार होता हुआ नजर आया था। उसके अलावा बात करें अलवर मंडी के 5400 रुपए बाजार रहे। खेडली मंडी के बाजारों की बात करें तो 5400 रुपए के बाजार दिखे। उसके अलावा बड़ौदा में 5450 रुपए तक बिकती हुई नजर आई। टोंक की बात करें तो टोंक मंडी की जहां तक बात करें तो मंडी सुबह 5300-5570 रुपए तक, निवई मंडी 5300 रुपए तक, सुमेरपुर मंडी मील डिलीवरी के भाव 5440-5450 रुपए के रहते हुए नजर आए। उसके अलावा गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी 5500-5550 रुपए के बाजार सुबह रहे। उसके अलावा जोधपुर 5500 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर बात करें श्रीगंगानगर जिले में तो लैब प्लस 1020 तक मंडियां आज बिकती हुई नजर आई। उसके अलावा यदि हम बात करें हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा की मंडियों में आज स्टेबिलिटी देखने को मिली है। दादरी मंडी 5200 रुपए तक, भिवाड़ी 5100 रुपए तक, रेवाड़ी 5200 रुपए तक, एलनाबाद मंडी 4900 रुपए तक, 4950-60 तक बिकती हुई नजर आई। उसके अलावा आदमपुर मंडी के भाव भी 4900 रुपए के प्लस 4970-80 के बाजार रहते हुए नजर आए। अब दूसरी ओर यदि हम रुख करें मध्य प्रदेश की मंडियों का, तो मध्य प्रदेश की मंडियों में नीमच वगैरह मंडी 5200 रुपए तक, मंदसौर 5200 रुपए तक, भिंड मंडी भी सुबह 5200 रुपए तक, मुरैना भी 5170-80 के बाजार रहते हुए नजर आए। उसके अलावा अशोकनगर मंडी सुबह 5075 अभी 5050 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आ रहे हैं अशोकनगर मंडी में। उसके अलावा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की मंडियों का रुख करें तो अलीगढ़ 5050 रुपए, जगनेर 5525 रुपए के आज बाजार रहते हुए नजर आए हैं। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 5300 रुपए के ऊपर बाजार स्थिरता दिखती हुई नजर आई है। अब दूसरी ओर यदि हम बात करें प्लांटों के भाव की, तो गोयलकोटा 5450 रुपए, सलोनी 6050, इनका आगरा वाला प्लांट है 5975, अलवर वाला प्लांट है 5925, कोटा वाला प्लांट के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। तो सीड में मोटा मोटी में हरियाणा में स्टेबिलिटी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नरमी देखने को मिल रही है।